हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज के ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ कैन यू इंस्टॉल द यूफोरिया रैगडॉल ओवरहॉल मॉड। भाई ये जो मॉड है ये अपने GTA 4 के फिजिक्स को GTA 5 के अंदर लेके आता है। अगर आपने गाइस GTA 4 खेला होता है तो उसमें गाइस आपको पता होगा कि कैसे भाई अपने जो NPCs होते हैं वो हम अगर हम पंच करते हैं किसी NPC को तो वह कैसे रिएक्ट करता है, अगर हम धक्का देते हैं किसी NPC को तो वह कैसे रिएक्ट करता है, मतलब कि अपना खुद का प्लेयर भी कैसे रिएक्ट करता है ना, वो सब कुछ दिया हुआ है इस मॉड के अंदर। तो भाई इस मॉड को इंस्टॉल करने के लिए भाई हमको रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ जो कि हमको चाहिए है वो है ओपन आई वी। यस यू आर गोइंग टू नीड ओपन आई वी। और उसके बाद गाइज आपको चाहिए मॉड्स फोल्डर, बस ये दो ही चीज़ें आपको चाहिए। एंड ऑल्सो गाइज जस्ट टू मेक श्योर जस्ट टू स्टे लाइक अपना गेम क्रैश ना हो तो उसके लिए हम लोग भाई डाल देंगे गेम कॉन्फ़िग। तो वो सारी चीज़ें मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ऑल आई हैव टू डू जस्ट इंस्टॉल द मॉस फोल्डर। अगर आपने गाइज अभी तक ओपन आई वी इंस्टॉल नहीं किया, मॉस फोल्डर नहीं बनाया, गेम कॉन्फ़िग इंस्टॉल नहीं किया, डोंट वरी आई हैव गॉट यू कवर्ड फॉर दैट। आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो दे दिया है जिसके अंदर मैंने GTA 5 का बोज बेस सेटअप जो होता है, भाई बोज क्या बोल रहा हूँ, जो बेस सेटअप जो होता है तो उसका मैंने आपको वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर वो वीडियो चेकआउट कर लो, उसमें आप GTA का पूरा अच्छा सा बेस सेटअप कर लो और उस बेस को ना एक्चुअल के बैकअप भी ले लो, ठीक है। उस बेस का जैसे ही आप उस मॉड बेस को क्रिएट करोगे उसका बैकअप भी ले ही लो, तो अगर कोई दिक्कत होती है तो आपको सिंपली जो फाइल बिगड़ी होती है उसको डिलीट कर देना, आपका जो बैकअप लिया होता है वो सिंपली आपको वहां से कॉपी कर लेना होता है। और चलो भाई तो लेट्स स्टार्ट अवर डाउनलोडिंग प्रोसेस। भाई आज बहुत खुश हूँ मैं यार, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मेरे को मौका मिला है वापस आने का। तो चलो भाई डाउनलोड करते हैं यूफोरिया रैगडॉल ओवरहॉल मॉड जिसका अभी करंट वर्जन है 1.9.4। तो इसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पे डाउनलोड बटन को हिट करेंगे। एंड मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया इसलिए मेरे को रिप्लेस का पूछ रहा है, तो मैं इसको नहीं करने वाला क्योंकि मैंने इस फाइल को ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। अब हम लोग इसको करेंगे क्लोज। और ये जगह ऐसा फोटो देख रहे हो ना BMW का, वो मैंने लिया है इन द क्रू 2 गेम। यस इसका हम लोग लाइव करने वाला है इस वीक में, क्रू 2 का, मैं और जॉर्डन और शायद से मोंटी भी आएंगे, आई डोंट नो, मोंटी का अभी तक कन्फर्म नहीं है, बट मैं और जॉर्डन स्ट्रीम करने वाले हैं क्रू 2 में। वैलोरेंट भी करने वाले हैं भाई, और एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज आ रहा है आप लोगों के लिए फॉर द गेमिंग चैनल, जो कि हम लोग माइनक्राफ्ट खेलने वाले। और ऐसी वैसी माइनक्राफ्ट नहीं भाई, आपको पता चल जाएगा जब आएगा ना, तब आपको पता चल जाएगा, उसको हम लोग लाइव में भी खेलेंगे, बहुत मजा करेंगे। तो चलो भाई इंस्टॉलेशन प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा अपना जिप फाइल यूफोरिया रैगडॉल मोड का जिप फाइल, और यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने OIV फाइल दिया हुआ है, ठीक है। एडिट मोड को करना है ऑन, ऑब्वियसली मैंने ऑन कर दिया है, तो इसको मैं OIV को क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देना है ओपन IV के अंदर। एंड देन ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट प्रेस इंस्टॉल इन द मॉड्स फोल्डर, ठीक है। हमेशा याद रखना एवरीथिंग यू डू इन द मॉड्स फोल्डर। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जब तक ये इंस्टॉल होता है ना मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने अपनी GTA के ना चार चार बैकअप लेके रखे, चार या तीन तीन बैकअप। ये देखो ये मेरा मॉड बेस बैकअप है, ये मेरा PRSA प्लस NVR, जब मैं अपना कुछ शूट करने का होता है तो मेरे को ज़्यादा ग्राफिक्स जरूरत पड़ती है तो मैं ये वाला लेता हूँ। अगर मेरे को LSPD FR खेलना है तो भाई मैं ये वाला ले लेता हूँ, और ये मेरा सादा GTA 5, ठीक है। अभी सादे GTA 5 में मैंने कुछ मॉड्स डाले हुए हैं, बट अगर मेरे को रिप्लेस करना हो तो मैं इन सभी मॉड्स को डिलीट कर देता हूँ और फिर ऑनलाइन खेल लेता हूँ। और अगर मेरे को लाइक यू नो मन होता है कि चलो भाई बेसिक मॉड खेले, तो ये सभी फाइल्स को कॉपी करके मैं सीधा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, मैं चला जाता हूँ गेम के अंदर, दैट्स इट। बस कॉपी ही करना था, कट नहीं करता मैं, कॉपी करता हूँ। तो ये भाई अपना तीन मैंने यहाँ पे बैकअप बना के रखे हुए हैं, और ये मेरा मेन GTA 5 है। और मैं जिस गेम में अभी इंस्टॉल कर रहा हूँ ये मेरा अभी है लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। जिस GTA 5 में ये मॉड में इंस्टॉल कर रहा हूँ वो है लेटेस्ट वर्जन का GTA 5, जो कि है 2845, ठीक है। तो चलो भाई हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है अपना यूफोरिया रैगडॉल मॉड, और देखते हैं चलो भाई जाके कुछ NPCs को मारते हैं और लेट्स सी के भाई क्या होता है। कई लोगों ने पूछा है कि भाई मैंने GTA 5 कहाँ से डाउनलोड की है, भाई ये रहा मेरा एपिक गेम्स का GTA 5। जब एपिक गेम्स में GTA 5 फ्री आया था तब मैंने भाई ले लिया था, तो मेरे पास फ्री है GTA 5। ऑल्सो फॉल गाइस का भी हम लोग खेलने वाले हैं भाई लाइव में, बहुत मजा आई भाई ये गेम खेलने में, बहुत मजा आता है। चलो मेरे पास है फॉल गाइस, तो चलो भाई GTA 5 के अंदर चलते हैं एंड लेट्स बिगिन। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं GTA 5 के अंदर एंड वी आर गोइंग टू चेक दिस मॉड।
अभी इस मॉड के अंदर कुछ कुछ डिफरेंट चेंजेस है बट इतने नोटिसेबल नहीं है, ठीक है। चेंजेस है कुछ फिजिक्स के अंदर, पर इतने नोटिसेबल नहीं है। तो पहला फिजिक्स कौन सा हम लोग टेस्ट करेंगे? पहला जो फिजिक्स है वो किसी गाड़ी को चोरी करता है ना, वो वाला फिजिक्स है। चलो भाई, सामने ही बकरा आ गया जिसकी गाड़ी हम लोग चोरी करते हैं। तो कुछ एनिमेशन में चेंजेस होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इसने अपना को पहले तो घिसने से रोका, दूसरी बात, अबे यार ये पीछे ही नहीं आया भाई। मेरे को लगा था ये पीछे आएगा तो हम लोग उसके साथ ना उसको खींच के ले जाएंगे, बट उसने ये नहीं किया। नॉट एन इशू, हम लोग ये गाड़ी वाला हमने आपको बता दिया कैसे इसने अपने आप को, जो अपने जो एन पी सीज है ना, इन अ सिंपल नोट, अपने जो एन पी सीज है ना, वो अपने आप को जब हम लोग नॉक करते हैं या फिर हम उनको गिराने की कोशिश करते हैं तो अपने आप को गिराने से रोकते हैं। अनदर एग्जाम्पल मैं इसके साथ देता हूँ, ठीक है, मैं इसको धक्का लगाऊंगा अब। ये देखो, इसने अपने आप को गिरने से बचाया। अभी मैं फाइट का भी दिखा देता हूँ आपको कि कैसे हम लोग इसको नॉक करने की कोशिश करेंगे ना, बट ये गिरेगा नहीं इतना जल्दी। ये देखो, ये देखो, ये गिर नहीं रहा, बाकी चौथे पंच में ना मोस्टली नॉक हो जाते हैं ये लोग। ये देखो, ये देखो, इसने अपने आप से पहले गिरने से बचाया। भाई ये कौन ठोक के गया अभी, पता नहीं, पर ये इसने अपने आप को ना गिरने से बचाया। अभी हम लोग उस लेडीज को अगर हम धक्का मारेंगे ना तो शायद से वो गिर जाएगी, दिखते ट्राई करते हैं। अबे धक्का ही नहीं लगा भाई, पोपट हो गया भाई। ये देखो भाई, ये भी नहीं गिरी, देखा आपने कैसे इसने अपने आप को बचाया एक्चुअल में गिरने से। अभी हम लोग बाइक वाले के साथ भी यही करेंगे। ओ भाई, पंच ही नहीं लगा यार, मेरा पोपट हो रहा है कई बात को, बट जैसे कि आपको पता है कि भाई, ये देखो इसको हम लोग लेके गिरे तब ये गिरा, बाकी ये नहीं गिरता। अभी दूसरे के साथ करते, इसको पीछे से धक्का लगाते। ये देखो, नहीं तो गिर जाते हैं बंदे जी के। तो हमने आपको जंपिंग वाला अपने पता चल गया कि भाई ये मेरा लाइट अभी बंद हो गया था, कैसे हो गया आई डोंट नो, बट वापस इसको ऐसे हिला के चालू कर दिया। तो जैसे कि आपको पता है कि भाई यहाँ पे हमने ये वाला एनिमेशन चेक कर दिया। अभी दूसरा एनिमेशन ये है कि जैसे ही माइकल गिरता है किसी हाइट पे से तो उसका भी चेंज हो जाता है। तो ये भी आप देख लो, ये देखो एकदम GTA 4 जैसा हो गया। कैसे इसने ऐसा कर लिया ना, ब्रेस कर लिया ना अपने आप को, तो एकदम GTA 4 में भी ऐसा ही होता है सेम, वो अपने आप को ब्रेस कर लेता है। अभी दूसरी चीज़ कि हम लोग किसी व्हीकल के ऊपर से जंप करते हैं ना, व्हीकल के अंदर से ऐसे, लाइक चालू व्हीकल के अंदर से, तो वो भी चेंज होता है एनिमेशन, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। ला भाई गाड़ी ला, ओके। तभी हम लोग यहाँ से इस व्हीकल के ऊपर से ना हम लोग निकल जाएंगे। तो ये देखो, ये देखो, पहले माइकल जो गिरता था ना वो ऐसे ऐसे कैसे गिरता था, अब इसने पूरा समरसॉल्ट जैसा ले लिया, ठीक है, तो ऐसे गिरते हैं। अभी दूसरी चीज़ में आपको एक ऐसे ही दिखाऊंगा कि अगर हम किसी व्हीकल से एनपीसी को ठोकते हैं ना तो अपनी गाड़ी पे होल्ड ऑन करने की कोशिश करते हैं। आह भाई, मैं इसी गाड़ी के पास आया, यही गाड़ी चली गई। भाई यार मैं क्या कर रहा हूँ यार। एनीवे, हम लोग ये वाली गाड़ी उठाते हैं। ओके चलो, एक बंदा मारने भी आ गया लगता है। एनीवे कोई बात नहीं, तो हम लोग ना किसी एनपीसी को ठोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिससे वो अपनी गाड़ी पर होल्ड ऑन करने की कोशिश करेगा। ये रहा सामने, इसको ठोकते हैं हम लोग। अबे नहीं, इसके पास ज़्यादा मिला ही नहीं, ये बढ़िया रहेगा। ये देखो, इसने होल्ड करने की कोशिश की बट इसको इतनी वेलोसिटी नहीं मिली। भाई हमको ना ऐसी जगह पकड़नी पड़ेगी जहाँ पे अपना बंदा जो है वो गाड़ी को पकड़ेगा एक्चुअल में। ओके लेट मी, बीच पे ट्राई करते हैं, बीच पे हम लोग को मोस्टली मिल जाता है। ये देखो, ये देखो, इसने ये देखो, ये देखो, इसने गाड़ी को पकड़ के रखा था काफ़ी टाइम के बाद, जब गाड़ी उछली ना तो भाई ये उछल गया। तो ये गाड़ी को भी पकड़ के रखते हैं कई बार, अगर वो गिर जाते हैं ना तो गाड़ी को पकड़ के रखते हैं, ठीक है, इसको ठोकते हैं। ये देखो, इसने भी होल्ड ऑन करने की कोशिश की थी बट अपने को ना सामने से ठोकना पड़ेगा। ये देखो, ये देखो, इसने गाड़ी को पूरा पकड़ लिया था और फिर गाड़ी की स्पीड जैसे बढ़ी ना तो वो ऊपर से गिर गया। ये देखो, ये देखो, इस बंदे को देखो, इसने कैसे गाड़ी को पकड़ लिया कि भाई कैसे भाई हमने स्पीड बढ़ाई और वो नीचे गिर गया, ठीक है। ओके गाइस, तो जैसे कि आपने देखा भाई, बहुत सारी चीज़ें हमारी गेम के अंदर चेंज हुई है। अब अभी कहे तो अननोटिसेबल है, ठीक है, इतना आपको पता नहीं चलेगा कि भाई चेंज एक्चुअल में हुआ भी है या नहीं हुआ है, बट देयर आर अ कपल ऑफ फिजिक्स दैट हैज़ बीन चेंज इन द मॉड, ठीक है। इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं है मॉड के अंदर, उन्होंने खाली एनहेंस किया है तो GTA 5 से GTA 4 का, क्योंकि अगर आपको पता है GTA 4 के जो फिजिक्स है वो एकदम नेक्स्ट लेवल है भाई GTA 5 से, तो उन्होंने थोड़ा बहुत सा उसके अंदर एडेप्ट करने की कोशिश किया है। ऑन अ कपल ऑफ नोट्स काफ़ी सारी चीज़ें एडेप्ट भी हुई है, जैसे कि गाड़ी से हमने जंप लगाया, किसी पेडिस्ट्रियन को हमने धक्का लगाया, ठीक है, और हम लोग ऊपर हाइट से कूदे, तो वो सब कुछ चेंज हुआ है, ठीक है।
तो गाइस अगर आपको ये वाला मॉड इंस्टॉल करना है, मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया है इस वीडियो के थ्रू, और इसी के साथ गाइस हम लोग मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक स्टे सेफ, कीप गेमिंग एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल।